हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एलिमेंट एडुटेक आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यह है आज नीट यूजी 2024 बैच के लिए जो प्लाज्मा बैच लॉन्च किया गया था 17 मई को, उसकी है बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास। और इस क्लास में आज हमारे बच्चे सीखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है। यहां पर पॉलीबेसिक एसिड एंड पॉली एसिडिक बेस, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, एक आध बार जरूर पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको अगर आप समझ लेते हो बहुत अच्छे से तो बहुत ही इजी है। मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 15 या 20 मिनट से ज्यादा का ये टॉपिक है भी नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई अच्छे से तो ये क्वेश्चन आप पीट दोगे चुटकियों में, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सारे बच्चों का जिन्होंने विश्वास दिखाया है एलिमेंट एडुटेक के साथ में, सब्सक्राइब किया है मेरे कहने पर। और ये कहने का मतलब सिर्फ कहना नहीं है, इसके लिए हम जी जान लगा देंगे दोस्तों, ठीक, आपके कैरियर को संवारने के लिए, बनाने के लिए जी जान लगा देंगे, ठीक है। दिन रात एक कर देंगे, 2400 घंटे भी काम करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि मैं इस चैनल पर मौजूद जो प्लेलिस्ट है उसको थोड़ा सा अभी जो है ठीक अकॉर्डिंगली ऐसा बना दूंगा कि वो कहीं से भी, ठीक है, आपके लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाए, एक्सेस कर पाओगे इजीली उसको एकदम आप। ऐप मैंने जो है इनेबल कर दिया है, आप ऐप का जो है लिंक आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चैनल पे देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐप तुरंत डाउनलोड करो बच्चों, क्योंकि अब से जो आप पढ़ोगे रोज की रोज, जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स, जैसे यहां पर मैं क्यूआर कोड से शेयर करता हूं, साथ साथ में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा, और आपको जो डेली प्रैक्टिस पेपर होता है वो भी आपको मिलने लगेगा, ठीक है। ये कल से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, आज से नहीं कल से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों ये है वो आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जो कि केमिस्ट्री के मामले में आप अगर डरते हो, आप अगर घबराते हो, तो वो सारा डर आज से आप जो है छोड़ दीजिए। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, या आप बोर्ड से अपियर होने जा रहे हो, या फिर आप क्यों ना 10th के स्टूडेंट हो या 9th के हो, ठीक है। तो आपकी ये टेंशन अब हमारी टेंशन है, क्योंकि हम इसको करेंगे टेंशन को दूर, ठीक है। आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग ऑल द सब्सक्राइबर, चलो ठीक है, बहुत बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। इस चैनल से आपकी हर एक जरूरत जो है वो पूरी होगी केमिस्ट्री को लेकर के, कहीं आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चा लोग। तो पढ़ते हैं और अपना एक कैरियर सॉलिड बनाते हैं यार, ठीक है। देखिए, जीवन में अगर किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो ईश्वर आपके लिए अपने आप अच्छा करेगा बच्चों। ईमानदारी से चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और अपना, ठीक है, कैरियर संवारते हैं। तो प्यारे बच्चों आज से एकदम सजग हो जाइए, ठीक है। ये क्लास पहले से लगी हुई थी 6 बजे की, इसलिए फटाफट मैं इस क्लास को लेने जा रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद के अभी नोटिफिकेशन आपको आज के और आएंगे, और मैं बता दूं कि जो है क्लासेस आपकी एकदम प्रॉपर चलने वाली हैं। आप बिल्कुल मजे से पढ़िए, दबा के पढ़िए, दबा के शेयर भी करिए, लाइक करिए, शेयर मारते रहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है बच्चा। चलिए शुरुआत करते हैं, और ये टॉपिक बहुत लंबा है भी नहीं, ठीक है बच्चा। तो शुरुआत करते हैं, देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि बेटा आखिरकार पॉली एसिडिक बेस क्या होता है या पॉली बेसिक एसिड क्या होता है, ध्यान समझना बच्चा, ठीक है। पॉली बेसिक एसिड किसको कहते हैं, तो देखिए बेटा पॉली बेसिक एसिड का मतलब कि ऐसा एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन आयन एक से ज्यादा रिलीज करने की क्षमता हो, ठीक है, विच रिलीजेस मोर देन, विच रिलीजेस मोर देन, ठीक है, टू एच प्लस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान देना बच्चा, अगर कोई एक करता है H प्लस आयन रिलीज, अगर 1 H प्लस आयन रिलीज करता है तो 1 H प्लस आयन रिलीज होने के जो भी एसिड होते हैं उसको मोनोबेसिक कहा जाता है, मोनोबेसिक एसिड। यानी कि कहने का मतलब जैसे HCl हो गया, जैसे HNO3 हो गया प्यारे बच्चों, जैसे CH3COOH हो गया, इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सभी एसिड के पास एक ही H प्लस आयन रिप्लेसेबल होता है और ये एक ही H प्लस आयन रिलीज भी करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए मोनोबेसिक है। लेकिन अगर टू रिप्लेसेबल, टू H प्लस आयन रिलीज हो,
ठीक है, अगर रिलीज होते हैं ठीक, तो ये डाई बेसिक एसिड कहलाता है, डाई बेसिक एसिड कहलाता है, जैसे कि H2SO4 है प्यारे बच्चों, H2CO3 कह सकते हो आप। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहां पे आप ठीक एक एग्जांपल लिख सकते हो प्यारे बच्चों, H3PO3, और इसी तरह से बच्चे ऑक्सैलिक एसिड COOH बॉन्ड COOH, या मेलोनिक एसिड भी लिख सकते हो COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, ये सभी आपके डाई बेसिक एसिड है। जिसमें से दो एच आयन निकलेगा वो डाई बेसिक होगा एसिड, और जिसमें एक एच प्लस आयन रिलीज होगा वो सभी मोनो बेसिक एसिड होगा। डन। अच्छा, इसके बाद अगर हम समझेंगे, आप लोग समझिएगा यहां पर बहुत ध्यान से, अगर थ्री और मोर हो ठीक है, तो थ्री और मोर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है, पॉली बेसिक एसिड बोलते हैं बच्चा, पॉली बेसिक एसिड। अब इसमें तीन होने पर क्या बोला जाता है, ओनली तीन को क्या बोलते हैं, ओनली तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें बात खास, जैसे यहां पे देखिए तो H3PO4 जो है हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, आप जानते हो अच्छे तरीके से फॉस्फोरिक एसिड को, तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये ट्राई बेसिक एसिड है। डन। अब अच्छा समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर यह बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका नाम क्या रखा गया है, क्यों रखा गया है, दरअसल ये रिलीज कैसे होते हैं। पॉली बेसिक एसिड में हाइड्रोजन आयन एक से ज्यादा रिलीज होते हैं, ये बात तो क्लियर है ठीक है, तो डाई की भी बात कर लेते हैं, पॉली की भी, डाई एंड पॉली में एक से ज्यादा एच प्लस आयन रिलीज होते हैं, तो अगर एक से ज्यादा मोर देन वन हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं तो क्या हाइड्रोजन आयन मोर देन वन एक सिंगल स्टेप में हो जाते हैं या मल्टीपल स्टेप में होते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप में होते हैं, मल्टीपल स्टेप में रिलीज होंगे पॉली या डाई बेसिक एसिड के हाइड्रोजन आयन, और इसके लिए आपको समझना होगा ठीक है, यहां देखिएगा आयोनाइजेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, आयोनाइजेशन ऑफ ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ, यहां पे लिखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एंड डाई बेसिक एसिड, बच्चा ध्यान समझिएगा। अब मैं यहां पे आपको बताता हूं कि यहां पे जैसे डाई बेसिक एसिड है ठीक, मान लेते हैं कि H2SO4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, सल्फ्यूरिक एसिड से आप परिचित हो सब लोग ठीक है, जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है जब एक्वस सॉल्यूशन जब बनाएगा, अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है बच्चा, वाटर या लिक्विड और H2SO4 लिक्विड, ये टूट करके पहले स्टेप में सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन देता है, H2SO4 ओनली वन हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन एक रिलीज करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उस हाइड्रोजन आयन को ये वाटर का मॉलिक्यूल अपने साथ ठीक क्या करेगा, ऐड कर लेगा, ये उसको अपने दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर देके और इसको इस रूप में अपने साथ जोड़ के बना करके रख लेगा हाइड्रोनियम आयन के रूप में, इसको आप दिखाते हो हाइड्रोनियम आयन, इसको आप हाइड्रोनियम आयन दिखाते हो, और इसके अलावा जो बचा पार्ट है, क्योंकि H2SO4 में अगर आप देखोगे उसका स्ट्रक्चर वाइज, तो स्ट्रक्चर वाइज आप ये बनाते हो स्ट्रक्चर H2SO4 का, यही आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो इसमें क्या होगा बच्चा, वन बाई वन करके हाइड्रोजन आयन रिलीज जो है हाइड्रोजन को रिलीज होना है, यानी पहले स्टेप पर मान लेते ये हुआ, तो अगर एक निकला तो आप समझ रहे होंगे कि O और H के बीच का बॉन्ड टूटा, O पर माइनस चार्ज आ गया और H पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये बचा क्या HSO4 माइनस और ये H प्लस तो चला गया था वाटर के साथ, और जो आपका दूसरा पार्ट है दैट इज HSO4 माइनस आयन, ये हाइड्रेटेड आयन ये बन गया, और ये भी हमारा ठीक हाइड्रोनियम आयन भी हाइड्रेटेड है। अब समझेंगे इस पहले स्टेप का जो आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट है, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट स्टेप ठीक, ऑफ फर्स्ट स्टेप, अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा तो मैं लिख सकता हूं कि K1 इज इक्वल टू ठीक जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन का मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन HSO4 माइनस आयन का डिवाइडेड बाई किसका कंसंट्रेशन है H2SO4 का ठीक है, और हम यहां पर लिख सकते हैं वाटर क्योंकि एक्सेस में तो इसलिए उसको ठीक कंस्टेंट मान लेते हैं कंसंट्रेशन। अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से, इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जब होगा तो सेकेंड स्टेप विल इन्वॉल्व द आयोनाइजेशन ऑफ HSO4 माइनस,
अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड स्टेप में यहां पर आयनाइजेशन होगा, ठीक है, समझिएगा बेटा, ये स्टेप वन है आपका, दिस वन इज द स्टेप वन, ये बेटा पहला स्टेप था, दिस वन इज स्टेप वन। अब स्टेप टू जो हो रहा है, सेकंड स्टेप जो हो रहा है, उसमें क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ HSO4 माइनस आयन। अब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, एक बात समझना अगर आपको समझ में आ रही हो तो। पहली बात, इस पर्टिकुलर आयन पे चार्ज कैसा है, माइनस है। अगर इस पे माइनस चार्ज है तो इसमें से H प्लस आयन अगर निकलता है तो क्या इसके ऊपर चार्ज माइनस जितना उतना बना रहेगा कि बढ़ेगा? आंसर है, इस पे माइनस चार्ज और बढ़ेगा, पहले से तो माइनस है ही है। अगर इससे एक और, ठीक, एक और ऑक्सीजन से एच जुड़ा हुआ टूटता है तो यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, पहले से माइनस चार्ज है और यह बॉन्ड अगर टूटता है तो एच पे प्लस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा। तो क्या यह पूरा सिस्टम, तो क्या बच्चों, प्यारे बच्चों, ये पूरा सिस्टम जो है आपका, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्या उस H प्लस को अपने से दूर जाने देगा? क्योंकि उस पे तो पॉजिटिव चार्ज है और उस सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नहीं चाहेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल इससे दूर जाए, यानी कि इसको दूर जाने से ये रोकेगा। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा टूटते ही, और वो ये बाइंड होने से उसको रोकेगा। यानी कि सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन आयन को रिमूव कराना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और इस आयनाइजेशन की प्रोसेस में मेन जो हाइड्रोजन आयन आते हैं वो पहले स्टेप से आते हैं। ये कभी पी ब्लॉक का बहुत पेट सवाल था, ग्रुप नंबर 16 का, पी ब्लॉक 12th क्लास का बहुत पॉपुलर सवाल था कि H2SO4 का जब आयनाइजेशन होता है दो स्टेप में तो सेकेंड स्टेप का आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप के आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की तुलना में बहुत कम क्यों होता है और पहले स्टेप का आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट बहुत हाई क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता था बच्चा, ठीक है। अभी क्या होगा सेकंड स्टेप में, अगर देखें तो हाइड्रोनियम आयन फिर से एक बनेगा और यहां पे सल्फेट आयन बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर लेकिन मुश्किल से बनेगा, बहुत कम कंसंट्रेशन। तो आप पहला सवाल आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस क्वेश्चन में वो ये बनता है कि इसमें कौन से आयन इसके इक्विलिब्रियम के दौरान मौजूद रहते हैं, ठीक। पहली बात तो ये हो गया, कौन से आयन मौजूद रहते हैं, तो आयन्स आर दिस वन आयन HSO4 माइनस आयन, इसके अलावा सल्फेट आयन, ये आयन्स रहेंगे। ये तीन तरीके के आयन्स एक्वस जो इसका ठीक सॉल्यूशन है इसमें ये रहेंगे, तीन तरीके के आयन्स, ठीक, OH माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां बात ध्यान समझिएगा, K2 बराबर क्या लिखोगे बच्चों, अगेन हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंटू क्या लिखोगे, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई बच्चों क्या लिखोगे, HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन, ये आप लिखिए, डन। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो यहां पर सेकंड स्टेप में जो K2 है, इन सेकंड स्टेप जो K2 की बात आ रही है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ K2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ K2 इज वेरी वेरी लेस देन K1 बिकॉज, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिवली चार्ज आयन था उससे प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये जब मुश्किल काम है तो मुश्किल काम की वजह से ये, ठीक है, जब मुश्किल है तो निकलेगा नहीं, जब निकलेगा नहीं तो कंसंट्रेशन इसका लो होगा, तब न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन लो होगा, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में रहता है, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन हाई, इसका कंसंट्रेशन हाई है और इसका कंसंट्रेशन लो है, सल्फेट आयन लो, हाइड्रोजन सल्फेट आयन ज्यादा कंसंट्रेशन हाई रहेगा इसके केस में, तो इसका मतलब क्या होगा कि K2 की वैल्यू K1 से काफी कम होगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। अब आप समझ लीजिएगा, अगर किसी पॉलीबेसिक एसिड के केस में तीन एच आयन रिलीज होते होंगे तो फर्स्ट स्टेप का आयनेशन कांस्टेंट Ka1, ठीक, विल बी हाईएस्ट, Ka2 उससे लोएस्ट, लोअर होगा, ठीक है, और उससे लेसर होगा, और Ka3 होगा वो सबसे लोवेस्ट होगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से ये मेरे बच्चों की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर पॉलीबेसिक एसिड है तो उसके हाइड्रोजन आयन एक एक करके रिलीज होते हैं, पहला वाला हाइड्रोजन आयन रिलीज होने में कोई समस्या नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन बाद के हाइड्रोजन आयन रिलीज होने में समस्या आती है, डन। ये बात आपको समझ में आ गई, मेरे ख्याल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, इन केस ऑफ
पॉलीबेसिक एसिड्स, पॉलीबेसिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेस। अब जो बेस भी OH माइनस रिलीज करते हैं ज्यादा, वन से ज्यादा, मोर देन वन, वो भी बारी बारी से ऐसे रिलीज करते हैं, उनके केस में आयनेशन कांस्टेंट KB1, KB2, KB3, KBN टाइप के होते हैं। तो इनके केस में KB1, KB2, KB3, इसमें देखेंगे तो KB1 ये इस तरीके से ऑर्डर रहता है, KB1 इज ग्रेटर देन KB2 इज ग्रेटर देन KB3। और यहां पॉली जो बेसिक एसिड है, ठीक, इस केस में जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये याद रखना प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक, ये इस तरीके से रहते हैं, Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3 डैश 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 KaN, यहां पर भी इसी तरीके से, ठीक, ग्रेटर देन डैश 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 KaKbN रहेगा, KbN। अच्छा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही अच्छे से बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब आपको मैं सिखा देता हूं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहां पर जब हम बात करते हैं H3PO2 की, H3PO3 की एंड H3PO4 की, तो इसी पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट, कि इनमें से कौन मोनोबेसिक है, कौन डाइबेसिक है और कौन इनमें से ट्राइबेसिक है। ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूं, इसका शॉर्टकट, ठीक, विच वन इज मोनोबेसिक या फिर डाइबेसिक या फिर ट्राइबेसिक, या उसकी बेसिसिटी कितनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस के लिए है, फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ पी, बहुत ध्यान देना, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए, ओनली ओनली इसके लिए, लेकिन सवाल भी इसी पे बनता है। क्या कहता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन, ठीक है, एच प्लस आयन और बेसिसिटी बराबर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओ एटम माइनस वन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैं पहली बात करूं तो ऑक्सीजन में पहले केस में दो ऑक्सीजन है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 2-1 बराबर 1 आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये क्या हो गया, मोनोबेसिक कौन हो गया, H3PO2, फॉस्फीनिक एसिड है ये, H3PO3 में तीन ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन 3-1 बराबर 2, यानी कि आंसर डाइबेसिक का H3PO3 है बच्चा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। H3PO4 में जानते हैं आप, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन बराबर 4-1 मतलब 3 होगा, बेटा हम लोग इसको कह सकते हैं ट्राइबेसिक H3PO4। मेरे ख्याल ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये वाला टॉपिक, कि कैसे कोई मोनो एसिडिक होगा या, ठीक है, बेस होगा, और या कैसे कोई मोनोबेसिक एसिड होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर मारिएगा, और साथ साथ में, ठीक, सब्सक्राइब अब तक प्यारे बच्चों नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत डेडिकेशन के साथ लगा हुआ हूं और आपको सेलेक्ट करवा के मानूंगा, केमिस्ट्री से सिलेक्शन नहीं रुकने दूंगा, यकीन करिए, ठीक है, और इसके लिए जी जान लगा देंगे, ठीक है, जो करना पड़ा करेंगे, लेकिन हर कीमत पे सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। आप इसी तरीके से एलिमेंट एडुटेक के साथ बने रहिए, ठीक है, आपने भरोसा दिखाया है, हम आपके भरोसे को आपकी मंजिल तक ले जा करके पूरा करके दिखाएंगे और उसको यकीन में बदल देंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों खूब पढ़ाई करिएगा, यहां पर नीट यूजी के लिए प्लाज्मा बैच जिसमें सबसे ज्यादा लेक्चर्स हैं वो आप प्लेलिस्ट चुन लीजिए, 11 वाले बच्चे प्लेलिस्ट 11 की 2023-24 की चुन लें, 12 वाले बच्चे प्लेलिस्ट जो 23-24 सेशन की बनी हुई है 12th की वो चुन लें। जेई मेन का पहला लेक्चर आज से रात से शुरू हो जाएगा पल्सर बैच का, और उसमें जो टॉपिक चलेगा वो यहां से चलेगा सॉलिड स्टेट से, तो सॉलिड स्टेट का आज एक पहला लेक्चर आने जा रहा है, याद कर रख लेना बच्चों, आपको दिसंबर की
10 तारीख तक सिलेबस पूरा करके दे देंगे दोनों के दोनों ईयर 11th और 12th का विद PYQs, जी जान लगा देंगे। अब देखिए असली जो है कैसे संग्राम जो है होता है, कैसे जो है यहां पर सिलेबस पूरा होता है, कैसे आपको जनवरी में ही आपको हम एक अच्छा परसेंटाइल दिलवाते हैं कंबाइंड। यहां केमिस्ट्री से तो नहीं रुकेगा आपका सिलेक्शन मित्रों, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अपने दम पे तैयार करना होगा थोड़ा सा आपको, क्योंकि अभी हम जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स यहां लॉन्च नहीं किए हैं, समय आने पर वो भी यहां पर किया जाएगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचा मानूंगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। ठीक है, जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, ये नारा साकार कर दीजिए और भारत माता की जय बोलिए और इसको पहुंचाते हैं एक नेक्स्ट लेवल पे, किसे, अपने देश को। और याद रखिएगा अगस्त के महीने में ही चांद पर भारत जो है इस बार कदम रख लेगा और अगस्त महीने में ही, मैं वादा करता हूं कि अगस्त महीने में ही उस लेवल तक आपको पहुंचा दूंगा एंडिंग होते होते इस मंथ की, कि आपने कल्पना नहीं की होगी। आज 1 अगस्त है और आप याद रखिएगा 31 अगस्त तक उस लेवल पे आप होंगे कि आप बोलेंगे कि आपकी सर ने सही कहा था। पूरे इस महीने में पल्सर बैच जो मैंने लॉन्च किया है जेई मेन का उसको लेकर के, और जो प्लाज्मा बैच चल रहा है नीट यूजी का साथ में 11 का और 12 का, ऐसे लेक्चर चलेंगे कमाल के चलेंगे कि आपको पहुंचा देंगे नेक्स्ट लेवल पे। पावर रखिए अपने पास, कॉन्फिडेंट रहो यार, कॉन्फिडेंस हाई रखिए अपना। कॉन्फिडेंस अगर हाई नहीं रखेंगे तो आपको कोई भी बहुत जल्दी परास्त कर सकता है। तो आप हार नहीं आपको माननी है, गिरते हैं बार बार उठिए और दूसरी बार जब उठिए तीसरी बार जब उठिए तो बहुत ताकतवर बन के उठिए। कभी सक्सेस हो जाएंगे ना पूरी तरीके से तो आपको अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे सक्सेस हुए हैं। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, ईश्वर करे आप खूब सारे पढ़ाई करते रहें और कभी भी हार ना माने। चलिए मिलते हैं। हाँ बच्चों, ये वाला जो लेक्चर चल रहा था अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि जो कुछ मैंने यहां पे दिया है तो यहां पे हम इसको शेयर कर देते हैं, क्यूआर कोड आ जाएगा, क्यूआर कोड से आप जो है ले सकते हैं पूरा का पूरा लेक्चर, उसको आप स्कैन मारिएगा, स्कैन करते ही आपके पास पूरा का पूरा लेक्चर आ जाएगा जो कुछ भी हम यहां पर पढ़ा रहे थे। आपको नोट्स बाद में जो है बना लेना है, अभी कोई जरूरत नहीं है तुरंत लिखने की। तो ये है वो क्यूआर कोड जो कि हमेशा जनरेट हो जाता है, जो भी पढ़ाया गया है यहाँ पर टॉपिक वो सारा का सारा आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप किसी भी गूगल लेंस वगैरह से स्कैन कर लीजिए जैसे भी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिखो सारी पढ़ाई करती रहेगा। और हम जो है आपको पढ़ा रहे थे आपका फेवरेट टॉपिक जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम था, उसमें से पॉलीबेसिक एसिड एंड पॉली एसिडिक बेस। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।